एमपी विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच केंद्रीय नेताओं ने प्रदेश में पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। उसी कड़ी में खातेगांव विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के साथ प्रियंका गांधी भी जनसभा संबोधित करने पहुंची। देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी तेज होती दिखाई दे रही है। जहां प्रत्याशियों की जीत के लिए स्टार प्रचारक प्रदेश भर में जनसभा कर रहे हैं, उसी कड़ी में खातेगांव से भाजपा के प्रत्याशी आशीष शर्मा के समर्थन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और जनता जनार्दन से भाजपा को वोट देने की अपील की। बीजेपी समस्या का समाधान है, कांग्रेस समस्या को लाने वाली पार्टी है। हमें समाधान चाहिए या समस्या चाहिए? समाधान है ना, तो बीजेपी के समर्थन में कमल चुनाव चिन्ह के समर्थन में हम सबको खड़ा होना है। और 17 नवंबर को चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जुड़ाव प्रत्याशी आशीष शर्मा जी को आपको बिना प्रत्याशी बनाकर क्या चुनी थी, यानी खातेगांव से आशीष शर्मा जी है। आपने जुड़ाव विधायक इस खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में दिया, तो विकास की योजनाओं को लेकर के जनता के साथ उनका जो कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी दीपक जोशी के समर्थन में राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी खातेगांव पहुंची, जहां उन्होंने दीपक जोशी को अपना वोट देकर बदलाव लाने की बात कही। जब नेता आपके सामने मंच पे खड़ा होता है, अगर घोषणा करता है और करके नहीं दिखाया उसने 5 सालों में, तो मन बनाओ वो इसको खदेड़ दोगे। उस बच्चा गलत करता है, हम थप्पड़ मार लेते हैं, बोल देते हैं अगली बार करोगे देखना, डर जाता है, कोने में खड़ा कर देते हैं। बच्चे को टोकते हो, अपने नेताओं को नहीं टोकते? घोषणाएं करते रहे, अरे मध्य प्रदेश में 22,000 घोषणाएं की हैं। आपको याद भी नहीं होगा कि क्या क्या इन्होंने घोषणा की। 22,000 घोषणाएं की है, 22 अगर उन्होंने कर ली हो तो बताओ, मैं खुद ताली बजा दूं। अभी मैं पूछ रही थी अपने साथी से, दीपक जोशी जी से, मैंने कहा भाजपा छोड़ के आए हैं कांग्रेस में, गाड़ी में पूछ रही थी, मैंने कहा भाई क्यों छोड़ी? कहा दीदी हमारे इलाके में ना बहुत भ्रष्टाचार हो रहा था, और मैं बार बार गया, मैं हर नेता के पास गया और मैंने कहा यहाँ मेरे इलाके में मत करो, जो कुछ करना है कहीं और करो, मेरे इलाके में मत करो। किसी ने मेरी सुनी नहीं। 2 साल से मैं कहता रहा, ऊब गया, एक दिन गुस्सा चढ़ गया, छोड़ दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारक प्रदेश में पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एवी न्यूज, खातेगांव।